हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चीज़ी मशरूम पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने 400 ग्राम मशरूम्स ले लिए हैं। अब हम इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे। हम पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम मशरूम को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम मशरूम को अच्छे से टॉवल से क्लीन कर लेंगे ताकि इसमें पानी ना रहे। अब हम इसकी स्टेम्स निकाल लेंगे। ये सारे मशरूम की हमने स्टेम्स अलग कर दी हैं। अब हम इसके लिए फिलिंग रेडी करेंगे। ये मैंने 2 अनियन, 4 से 5 मैंने गार्लिक लिए हैं और 1 इंच जिंजर ले लिए। अब हम इन्हें चॉप करेंगे। ये देखिए, इसे हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब हम एक कैप्सिकम ले लेंगे और इसमें मशरूम की स्टेम्स डालकर इसे भी हम चॉप कर लेंगे। पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल गर्म कर लिया है। इसमें हम चॉप की हुई अनियन, गार्लिक और जिंजर डाल देंगे और इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अब इसमें हम चॉप की हुई कैप्सिकम और मशरूम डाल देंगे और इसे भी सॉटे कर लेंगे। 2 कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। 1/2 चम्मच इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मशरूम की फिलिंग के लिए मिक्सचर अब रेडी है। इसे हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें धनिया और मोज़रेला चीज़ डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्लरी बनाने के लिए मैंने 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर ले लिया है। इसमें हम 1/2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और 1/2 चम्मच ही हम इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी थिक स्लरी रेडी कर लेंगे। अब ये हमारी स्लरी रेडी हो गई है। इसे हम साइड कर देते हैं। अब हम मशरूम में फिलिंग ऐड करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे मशरूम फिल कर लेंगे। सारे मशरूम्स को हमने फिल कर लिया है। अब हम एक मशरूम लेंगे, इसे हम स्लरी में डाल देंगे और इसे अच्छे से कोट कर देंगे। फिर हम इसे ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर देंगे। अब ये सारे मशरूम्स फ्राई होने के लिए रेडी हैं। इसे हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे।
ये हमारे क्रिस्पी चीज़ी मशरूम बनकर एकदम तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।